तर आज 19 जून 2021 ची मुरली आपण ऐकणार आहोत. मुरलीचे सार आहे, मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो. बाबा आपल्याला महान सौभाग्यशाली बनवत आहेत. ते कसे बनवत आहेत, त्याची विधी काय, ती पूर्ण मुरलीमध्ये आपण ऐकणार आहोत. क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी. किती संन्यासी आहेत, महात्मा आहेत, यांनी ही जे ज्ञान आहे, हे जे ज्ञान बाबा आपल्याला देतात, ते ज्ञान अजूनपर्यंत कुणीच प्राप्त केलेलं नाही, जे आपल्याला मिळत आहे ना. तर हे ज्ञान जे आहे, तर हे ज्ञान आपल्याला आता मिळत आहे. प्रश्न आहे, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो. ड्रामा मध्ये अशी कोणती गोष्ट आहे जे आपण जाणतो, दुनिया मधले मनुष्य जाणत नाही. उत्तर आहे, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है. अब सारी पुरानी दुनिया में दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी. यह भावी कोई टाल नहीं सकते, है ना. जस आता दिवस आहे, रात्र येऊच नाही असं होऊ शकतं का? नाही, रात्र तर येणारच, है ना, आणि पुन्हा दिवस येणार. मग या चक्राला कोणी थांबवू शकतं का? नाही, है ना. तर बाबा म्हणतात की ही जी भावी होणार आहे विनाशानंतर स्थापनेचे, है ना, तर ही होणारच आहे, ही अटळ आहे, कुणी टाळू शकत नाही. यह ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाह होगी. फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे. ही पतित दुनिया मग पुन्हा नष्ट होऊन जाईल, मग स्वर्गाची स्थापना होणार आहे. तर बाबा म्हणतात या पतित दुनियेमध्ये येण्याची गरज भासणार नाही. इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे. हे काय ईश्वराच्या हातांमध्ये नाही, हा तर ड्रामा बनलेला आहे, है ना. दिवस आणि रात्र ईश्वर बसून चेंज करत नाही ना, हे तर दिवस रात्र या नाटकामध्ये नोंदलेले आहेत, त्यानुसार हे पार्ट चालत राहतात. गीत आहे, मुखडा देखले प्राणी. हे असं भक्ती मार्गामध्ये जसं गीत बनलेलं आहे, मुखडा देखले प्राणी अपने दिल दर्पण में, देखले कितने पाप है कितने पुण्य तेरे दामन में, है ना. कारण की मन आणि बुद्धीच आपली साक्षी असते ना प्रत्येक कर्मासाठी. तर बाबा म्हणतात आपल्याला पाहायचं आहे की आजपर्यंत आपण किती पाप आणि किती पुण्य केलेले आहे. तर बाबा म्हणतात मुखडा देखले, गीत मध्ये आहे, मुखडा देखले प्राणी अपने दिल दर्पण में, है ना. ओम शांति. तुम बच्चे भी मनुष्य हो. आपण मुलं पण काय, जीव आत्मा आहेत ना, ज्याला मनुष्य म्हणलं जात. यह मनुष्यों की सृष्टि है. इस समय तुम कहेंगे धर्म के मनुष्य बने हो. या वेळेस बाबा काय म्हणतात, आपल्याला बाबांनी आपल्याला स्वीकार केलं ना, या नवीन धर्माच्या स्थापनेसाठी आपल्याला निमित्त बनवलं. इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो. बाप शिक्षा देते है आत्माओं को. हम आत्मा सुन रही है ना, क्योंकि शरीर सुनता है क्या? नहीं सुनता, आत्मा सुनती है. आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है. आत्मा का यह रथ है. शरीर क्या है? आत्मा का रथ है. आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वेगवेगळा आहे ना. जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए. बाबा काय करतात, ब्रह्मा बाबाच्या रथाचा आधार घेऊन हे आपल्याला ज्ञान देतात, आपल्याशी बोलतात, भेटतात. तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है. सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है. हमारे रहने का स्थान ही
मूल वतन में है। कहाँ रहती है आत्मा? मूल वतन में रहती है। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है इस सृष्टि चक्र में। जब हम आते हैं पार्ट बजाने के लिए तो आत्मा ये शरीर रूपी ड्रेस धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बाबा म्हणतात दुसऱ्या कोणत्या गोष्टी मध्ये जाण्यापेक्षा स्वतः सोबत बोला, अंतर्मुखी व्हा, याच्याने काय होईल, आत्म्याची शक्ती वाढत जाईल। बाबा कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ, शांति धाम के निवासी समझो। आत्मा को शांति चाहिए तर बाबा काय म्हणतात, असं स्वतःला समजा, मी आत्मा आहे आणि परमधाम शांति धाम ची निवासी आहे। अपने को आत्मा समझ, शांति धाम की निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हो? बाबा विचारता थोड़ा वेळेसाठी शांति मध्ये बसू शकता ना? मनुष्य शांति ही मांगते हैं, मन को शांति चाहिए। यह आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं, है ना। भल कहते मुझे शांति चाहिए, लेकिन ये पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर में, खुद का दिखाई नहीं देता ना हमने क्या पहना है, बाहर ढूंढते। तो रानी का बहुत मूल्यवान हार था, वो उसने गले में ही पहना था, लेकिन ढूंढ रही थी कि मेरा हार कहाँ गया, है ना। सारे महल में ढूंढा, सभी को बताया, तो एक दासी ने आकर बताया कि रानी जी आपके गले में ही हार है ना। तब उसको पहचान मिली कि मेरे गले में ही मैंने हार पहना। तो ऐसे बाबा कहते भले शांति ढूंढ रहे, लेकिन शांति है कहाँ, अपने पास ही है। तो बाप भी समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। शांति क्या है? हमारा स्व का धर्म है। स्वधर्म मना अपना धर्म है। वो बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप है, समझ लिया ना। अभी यहां आए हैं पार्ट बजाने। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते तो आत्मा शांत है, शरीर का भान बिल्कुल भूल जाता है, तो गहन शांति का अनुभव होता है। तो बाबा कहते आत्मा अपने स्वधर्म शांत में जितना चाहे उतना बैठ सकती है, है ना। क्योंकि हमारे मन पर किसी का बंधन नहीं ना, भले शरीर पर है, लेकिन मन और बुद्धि कोई कोई बांध सका है अब तक? कोई भी नहीं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं आप आत्मा मालिक हो, मन को ऑर्डर दो कि हे आत्मा, हे मन, तुम शांत स्वरूप हो, तो वो शांति का अनुभव करने लग जाएगा। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांति में बैठ जाओ। बहुत थक गए हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो बाबा कहते एकांत में बैठ जाओ और अपने स्वधर्म को याद कर कि मेरा स्वधर्म शांत है। आज बाबा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, अपना धर्म स्वधर्म शांति है, यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, है ना। अभी ढूंढना बंद हो गया ना, अभी तो मिल गई शांति। तुम्हारा स्वधर्म शांत है, अभी यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं है। 84 जन्म कैसे आत्मा लेती है, इस चक्र का ज्ञान किसी के भी पास नहीं सिवाय हम ब्राह्मणों के, है ना। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने, अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है।
बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, है ना? तुम कितने सौभाग्यशाली हो ये जान लेना भी इसमें बहुत बड़ा भाग्य छिपा हुआ है, क्योंकि जो इस चक्र को जानेगा, भगवान का महावाक्य है, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, है ना? बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, यह है ही सदगति मार्ग, है ना? सदगति होने का मार्ग है, और उसके लिए तो कितने प्रयास चल रहे दुनिया में। यह समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाबा कहते खुद सहित सारी सृष्टि को समझाओ संकल्प के द्वारा, भले मुख द्वारा नहीं समझा सकते, संकल्प के द्वारा तो समझा सकते हैं। अभी जान गए हो हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं, है ना? सतयुग में जाएंगे तो 21 जन्म सदगति के लिए कोई भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो 21 जन्मों के लिए हम सदगति प्राप्त कर रहे हैं, बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही जानते हो, कोई पूछते हैं तुम बी के क्या जानते हो, कोई ने आकर पूछा आपको क्या पता है, परीक्षा तो होनी ही चाहिए ना कि ब्राह्मण व ब्राह्मणिया है व नहीं है, कोई आकर ऐसे ही प्रश्न पूछते ना। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे, बाप रचयिता को जानते हो ना, ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो गोया नास्तिक ठहरे। अगर भगवान को नहीं जाने तो उनको क्या कहेंगे, नास्तिक, है ना? अस्तित्व को नहीं जानते उनको कहते नास्तिक, है ना? न परमात्मा के अस्तित्व को जानते, न आत्मा के अस्तित्व को जानते, न सृष्टि चक्र को जानते। इसलिए सृष्टि चक्र में स्वस्तिका है। स्वस्तिका क्यों दिखाई, क्योंकि स्व के अस्तित्व को जानो हम क्या है, है ना? तो बाबा कहते भगवान को नहीं जानते, न उनकी रचना को जानते, माना क्या हो गए, नास्तिक। तुम भी बाबा कहते तुम भी नास्तिक थे, लेकिन अभी आस्तिक बने हो। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, है ना? स्कूल में कौन जाएंगे, पढ़े लिखे थोड़ी जाएंगे, जो अनपढ़े हैं वही जानेंगे और फिर पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। अभी कौन पढ़ा रहे हमको, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे, है ना? बाबा पढ़ा रहे, ईश्वर पढ़ा रहे, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। कितने नशे की बात है कि स्वयं भगवान हमको बैठकर हमारे लिए समय निकाल रहे और हमको पढ़ा रहे, है ना? यह बुद्धि में समझना चाहिए, रचता तो एक शुभ बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्र में भी है। कल भी बाबा ने कहा शिव कहो व रुद्र कहो, मेरे बहुत सारे नाम है। तो बाबा ने, रुद्र बाबा ने क्या किया, आकर ज्ञान का यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में इसका उल्लेख है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो है ही नहीं, है ना? एक ही है, रुद्र माना शिव। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, है ना? वो बताते हैं ना शास्त्र में, यज्ञ से बहुत कुछ निकला, जिसने जिस मनोकामना से यज्ञ किया उससे वो जैसे प्राप्ति जो है वो प्राप्ति हो गई। बताते ना द्रौपदी का भी जन्म क्या कैसे हुआ, यज्ञ से हुआ, है ना? तो बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं भी, बाबा ने हमारे द्वारा ये यज्ञ रचा, तो बाबा किस कार्य के लिए आए, मुख्य कार्य क्या है उनका, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश,
ये दो मुख्य कर्तव्य उनके हैं। तो एक तरफ स्थापना चल रही है तो दूसरी तरफ जरूर उनका विनाश का भी काम चल रहा होगा। तो स्थापना और विनाश साथ साथ हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते, लास्ट मध्ये काय म्हणतात, एका प्लेट मध्ये थोडं थोडं टाकत असतं, यज्ञ ज्यावेळेस सुरू होतं त्यावेळेस थोडं थोडं टाकत असतात, लास्टला ब्राह्मण काय सांगतो ती ताट उचला आणि सगळं स्वाहा, सगळं लास्टला काय करायचं, सगळं स्वाहा करायचं। बाबा म्हणतात आता ह्या सृष्टीवर सगळं काय होणार आहे, लास्टला स्वाहा, हम स्वाहा कर रहे हैं, है ना। तो सारी सामग्री डालते हैं, अब स्वाहा कर देते, सब स्वाहा कर देते। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पति दुनिया में फिर आएंगे नहीं, यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटी आदि सब होगी, यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, है ना। बाबा म्हणता की सगळं ज्ञान जाय ना तुमच्या बुद्धीमध्ये बसायला पाहिजे। शुभ बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है, बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। बाबा काय सत्य आहे, चैतन्य आहे, ज्ञानाचे सागर आहे। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, है ना। सृष्टि चा आदि मध्य अंत ला बाबा काय करतात, ओळखतात, ज्ञान आहे त्यांना संपूर्ण, म्हणून तर त्यांना ज्ञानाचे सागर म्हटलं जातं। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, जसं बाबांच्या बुद्धि मध्ये आहे तसं आपल्या बुद्धि मध्ये पण बसलं पाहिजे। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, तो आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, ओम शांति में जाते हो, क्या मिलता है। तो बाबा कहते हैं क्या बोलना है वो भी बाबा सिखाते, हमको क्या बोलना है बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। बाबा कहते नशे से कहो कि सृष्टि वरचा या जे पण ऋषि मुनि आदि जे पण होते ते म्हणत होते आम्ही नाही जाणत, तर तुम्ही सांगा आम्ही जाणतो, आम्हाला माहित आहे, है ना। तो बाबा कहते बोलो उनको, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वो कहते थे लेकिन अभी हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकते, रचता ही समझाएंगे ना। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, मधुमक्खियों का झुंड होता है ना, उसमें उनकी एक रानी होती है, वो जैसे जहां भागेगी ना उनके पीछे सब भागते हैं, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती है। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध रहता है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते, है ना। बेहद के बाबा भी क्या करते, आते तो सभी बच्चों को साथ में ले जाते। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, आया ना, कहाँ आए बाबा, हमारे सामने बैठे, बुद्धि के सामने क्या देखना है, हमारे सामने बाबा बैठे हैं। तो बाबा कहते तुम भी जानते हो हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम, फिर से हमारा सतयुग का पार्ट शुरू हो जाएगा, जिस पार्ट बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो,
सतयुग के लिए जाने के लिए ही पार्ट बजा है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। यहां तुम आती हो मनुष्य से देवता पद पाने, सब गुण यही धारण करने हैं, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख नहीं सकता। सूक्ष्म वतन में भी है ना, वो आत्मा है, जैसे बाबा कहते हैं ना विष्णु, तो सूक्ष्म वतन में अगर देखना है तो बाबा कहते दिव्य दृष्टि चाहिए उनको। कल भी बाबा साक्षात्कार का मम्मा की जो वाणी सुनी तो साक्षात्कार का बताया ना उसमें, तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण को दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है, सतयुग में था ही देवी देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में फिर राक्षस आदि दिखाते हैं, राम के साथ रावण थे है ना, श्री कृष्ण के साथ कंस था, तो ऐसे बताते, असुर थे बताते ना, कितने सारे असुर दिखाए, यह कोई नहीं जानते। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, देवताओं की महिमा है ना कि देवता कैसे है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है ना। परंतु यह पता ही नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंचा था वह नीचे कैसे गया है ना, इतना माना नीचे कैसे उतरा, ये किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह भावी बनी बनाई है, किसकी भावी है वह भी नहीं समझते, ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आ जाए। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी, पक्तासुस मनता ईश्वराची भावी है। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना, ड्रामा म्हटल्यानंतर एखाद नाटक आहे तर त्या नाटकाचा आदि मध्य अंत माहित असला पाहिजे ना, है ना। सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी, ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पढ़ सकता है ना, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं है ना, वास्तविक ते बोल कसे आहेत वाचल्यानंतर भावना नाही कळत ना, है ना। भावना केव्हा कळतात, ज्यावेळेस आपण पाहतो है ना, एखादं नाटक पाहतो त्यावेळेस कसं चाललेलं आहे ते नाटक त्यावेळेस समजून येतं। जैसे अखबार में भी पड़ा था एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़ी सकता है ना। एडवर्टाइज करतात ना कि हे नाटक आहे किंवा हे फिल्म बनलेली आहे, तर बाबा म्हणतात जोपर्यंत पाहणार नाही एडवर्टाइज ने किती समजणार है ना, देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में यह सब होना है। आजकाल एडवर्टाइज मध्ये 5 मिनिटाची पूरे फिल्म किंवा नाटकाचं सार दाखवतात ना, पण जोपर्यंत पूर्ण बघत नाही तोपर्यंत आपल्याला समजणार नाही। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी जानते हो, मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, ये मनुष्य सृष्टि है आणि याचं चक्र फिरत रहता, परंतु कैसे फिरता है यह किसी को भी पता नहीं है। नाम भी लिखे हुए है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है ना, शास्त्रामध्ये चार युगांचं नाव तर आहे ना, फिर संगम युग है, और संगम युग का किसी को भी पता नहीं,
सिर्फ चार युग कहते हैं, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है भगवान युग युग आते, है ना, पता ही नहीं इस कारण। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, हर युग के बीच में एक संगम है, लेकिन वो सारे संगम कैसे है, उतरने के संगम है। सतयुग से त्रेता आएगा तो क्या होगी, आत्मा की कला उतरेगी, त्रेता से द्वापर आएगा तो आत्मा एकदम सतो प्रधान थी उत्तमों के लिए बढ़ती जाएगी, मतलब एकदम जिसका उतरने का जो पुरुषार्थ है वो फास्ट होता जाता है ना, धर्म से अधर्म में, सत्य से असत्य में, फिर ये द्वापर युग के बाद शुरू हो जाता है ना। तो ये हर एक युग में उतरने का है, लेकिन बस एक ये जो कलयुग और सतयुग का जो संगम है इसमें चढ़ती कला है, बाकी हर एक युग में उतरती कला है ना, उतरत जाते आत्मा। तो बाबा मंदार हर एक युग का संगम होता है, तो परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं है, उतरने का क्या महत्व है, वहां तो कुछ होता ही नहीं है, यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया, ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, लड़ाई की और राज्य छीन लिया, ऐसा उपद्रव सतयुग और त्रेता में होता नहीं, है ना, भगवान के बच्चे हैं ना वहां, तो ऐसे नहीं करते। नहीं, जो चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं, है? राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है, लक्ष्मी नारायण टाइटल कैंसल हो जाता है, है? और राजा राम और रानी सीता का टाइटल शुरू हो जाता है। किसने दिया, ये किसने दिया, कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया, है ना, स्वतःच राज्य ट्रांसफर केलं चंद्रवंशीला, आणि खूप शांतीमध्ये आणि सभ्यतेने तिथे लोक राहतात आणि ट्रान्सफर करतात। अब तुम राज्य करो, जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, हे सगळं यज्ञाच्या सुरुवातीला बाबांनी साक्षात्कार करवला, कशी सूर्यवंशी चंद्रवंशीला राज्य ट्रान्सफर करता, तो बाबा कहते वहां ऐसा कोई जीत वगैरह लड़ाई की बात नहीं होती, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती, जैसे किसी को राजाई दी जाती है वैसे देते, स्व इच्छा से देते, वहां सब कुछ स्व इच्छा से है ना, शरीर भी स्व इच्छा से ही छोड़ेंगे, है ना, हम आज जैसे बताते ना सतयुग में जैसे संकल्प, जो जो संकल्प नारायण करेंगे तो वैसे वैसे सृष्टि में परिवर्तन होता जाता है, तो संकल्पों की दुनिया है वो। तो बाबा कहते जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, जैसे किसी को राजाई दी जाती है वैसे देते हैं, उनके पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना, जिसको राज्य तिलक देते हैं तो उनके पैर आदि धोकर ना उनको मुकुट पहनाया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है। वहां कोई गुरु गोसावी तो होते नहीं जो ब्राह्मणों को बुलाए और वो विधि कराए, ऐसे नहीं होता, वो जैसे जो लक्ष्मी नारायण है वही करेंगे। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे, बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, और कोई सुखी बना ना सके, साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाए। बाबा कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूं। सन्यासी तो आती है द्वापर में, स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहां भी कनेक्शन अलग अलग है ना, सेक्शन, बाबा कहते हैं
वहां के मतलब शांति धाम में जाएंगे तो हर एक सेक्शन अलग अलग होंगे, चंद्रवंशियों का अलग, सूर्यवंशियों का अलग होगा, है ना। पहले सूर्यवंशियों का अलग रहेगा, परम धाम में हर एक सेक्शन होंगे सूर्यवंशियों का अलग, फिर उसके बाद चंद्रवंशियों का होगा, फिर उसके बाद इस्लामी, बौद्धी, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई नहीं था, मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर की बिरादरी, फर्स्ट कौन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, हम है फर्स्ट, बाकी हद के और छोटे छोटे तो लाखों होंगे, अलग अलग बिरादरियां है ना, उनसे ही निकले हुए अलग अलग लोग, मठ पंत है ना, सत्संग आदि चलाते हैं, अलग अलग बिरादरी है। तो बाबा कहते हैं वो हद की छोटे छोटे लाखों होंगे, यहाँ तो मुख्य है चार बिरादरियां। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चन आदि आते हैं। अभी हम नीचे ही गिर गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना पड़ता है, जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में आएंगे, है ना। ऐसे होता है ना चक्र जो चलता है ना, जो लास्ट का मंथ का वही फिर से जो रिपीट होगा तो वो फर्स्ट में आ जाएगा। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते, देवताओं को तो पूजते हैं ना, इससे सिद्ध है उनकी बिरादरी है। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं, जो जिसकी पूजा करते हैं तो जरूर वो उनकी बिरादरी के हैं, है ना। जो मना आदि सनातन देवी देवता धर्म की पूजा करते हैं, वो मना देवताओं की पूजा करते, तो वो किसकी बिरादरी के, देवताओं की बिरादरी के। जो मना गुरु नानक को पूजते हैं वो सिख धर्म की बिरादरी के, जो क्राइस्ट को पूजते फिर वो क्रिश्चन मना क्राइस्ट के बिरादरी के है। अलग अलग बिरादरी है, मुख्य बाबा चार बताते। सतयुग में पहले नंबर बिरादरी हमारी है, उससे ऊंची बिरादरी कोई होती नहीं है, क्योंकि भगवान की डायरेक्ट रचना है ना, इसलिए बाबा कहते उससे ऊंचा कोई धर्म नहीं है, हम ऊंचे ते ऊंचे बिरादरी वाले हैं। बाबा कहते आप सोचो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म कितने ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि हम सबसे ऊंची बिरादरी के हैं, भगवान के बच्चे बने ना। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं, हम ऊंचे ते ऊंचे बिरादरी वाले हैं, हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं वही फिर कंगाल बनते, सबसे जास्ती दुख यहाँ है। कर्जा भी लेते रहते हैं, अभी कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा दुख देख रहे हैं ना सभी, कर्जा भी ले रहे हैं, कितने साहूकार थे, कितने गरीब हैं, सब कुछ गवा बैठे हैं भारतवासी, क्या हुआ उनका, सब कुछ गवा कर बैठ गए, यह है ही दुख धाम। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते, बाप सब बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, हमारा पार्ट होगा सुख धाम का, तो सब कहाँ रहेंगे, शांति धाम में रहेंगे। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाए। अभी के सभी मनुष्य क्या सोच रहे, हमको मुक्ति मिले, है ना, दुख अशांति से मुक्ति मिले, यह है ही दुख धाम। अब बाप कहते हैं, अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं,
चाहते भी है हम मुक्ति में जाए, सुख को कागविष्टा समान समझते हैं, उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है, तुमको अनुभव है। सुख धाम क्या होता है यह हमको अनुभव है। महिमा भी गाते हैं परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते, हे भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है, देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं। गाते भी रहते हैं पतित पावना, देवी देवता ही जो सबसे ज्यादा पुकारते ना कि हे पतित पावन आ जाओ। बाबा ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, 84 जन्मों का ज्ञान बाबा ने दिया ना आकर, कितने जन्म पतित दुनिया में है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं ये पता है। फिर अब फिर पावन दुनिया में जाना है। यह पाठशालाओं की पाठशाला भी है, यज्ञ का यज्ञ भी है, सबसे बड़े यज्ञों का यज्ञ है पाठशालाओं में, सबसे बड़ी पाठशाला है। सारी पुरानी दुनिया इसे में खत्म होने वाली है। होली का जलाते न, यह सब पर्व अभी के हैं। आत्मा चली जाएगी, बाकी सारे बाबा कहते सब आत्मा उड़कर चली जाएगी परम धाम में, बाकी सारे शरीर क्या होंगे, साथ में थोड़ी लेकर जाएंगे, है ना, सारे शरीर खत्म हो जाएंगे। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे नहीं सकते। गीता में कुछ है ना, परंतु आटे में लून माना नमक मिसल है। आटे में नमक कितना डालते, थोड़ा सा डालते ना, तो बाबा कहते हैं गीता में कितना है, आटे में नमक जितना है। सत्य ज्ञान जो बचा ना, तो वो आटे में नमक जितना है। ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है, शिव बाबा कहते हमने यह यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हैं। इस यज्ञ में क्या कर रहे हैं, हम अपना सब कुछ स्वाहा कर रहे हैं। समझते क्या अभी मेरापन आता है क्या, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, क्या कहते हैं बाबा का है, बाबा का है, ये सब किसका है, बाबा का है कहते हैं। या मन जैसे आता है मेरापन, बाबा कहते हैं आए ही नहीं कि मेरा है, क्योंकि जो भी मेरा हम समझते हैं वो हम लेकर नहीं जाने वाले हैं, है ना, बाबा ही कहना है, क्योंकि बाबा ही साथ में आने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाने हैं। शिव बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, जीते जी अभी मर जाते, माने इस भले इस माने शरीर में है, लेकिन समझते क्या है कि सब बाबा का है, है ना। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, है ना, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। चलो 2 मिनट के लिए हम फिर से एकाग्र हो जाए, बाबा को याद करें, जो जो बाबा ने आज हमको बातें सुनाई हैं उसको रिवाइज कर।
ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहली पॉइंट है, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को, ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। ड्रामा के हर राज को समझ लिया तो बाबा कहते अभी रहा क्या हमारे से, मना दो ही चीज हो सकती है, या तो दुखी हो जाए या सुखी हो जाए। तो क्या पसंद है, दुखी होना पसंद है या सुखी होना पसंद है? तो बाबा कहते खुश हो जा, है ना, ये ड्रामा है, इसके राज को पहचानते हुए अपने आप को सुखी बनाना, सबको यही राज समझाना है। दूसरे पॉइंट, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। स्वराज्य लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते इस यज्ञ में अपना तन मन, बेहद का यज्ञ चल रहा है, इसमें बाबा कहते अपना तन मन धन सब स्वाहा करना है, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना। हमारा बाबा, मैं आपका माना, मेरा सब कुछ आपका हो गया, है ना, ऐसे होता है ना, वरदान है ना? जैसे वो राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताते ना, उसमें बताते उन्होंने वचन दिया है ना, तो एक ब्राह्मण को वचन दिया, सब कुछ तुम्हारा है ना, तो उसने कहा ये थोड़े पैसे तुम्हारे पास रखो। तो जब वो उस समय नींद से जागृत हो गया तो उसने कहा कि अभी ये सब कुछ, वो ब्राह्मण आया और उसने कहा कि मेरा सब कुछ है, अभी तुमको मेरा जो कर्जा है वो कर्जा उतारना पड़ेगा, है ना। तो उसने बताते ना कि वो फिर मजदूरी करने लगा, है ना, उसका बहुत मतलब बड़ी कहानी बताते ना राजा हरिश्चंद्र की। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से जो भी हमारा है वो सब कुछ नई दुनिया के लिए बाबा कहते ट्रांसफर कर लो, और वो कैसे होगा, शिव बाबा को अर्पण करने से। वरदान है, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, माना राजा वो जो प्रजा मन भाए, जो प्रजा के मन को भाए, और मन को कौन भा सकता है, जो स्नेह देता है, प्यार देता है, विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, बाबा कहते अभी राजा नहीं है हम, है ना, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर बाबा कहते राज्य करना पहले सीखो, बाद में अपने आप सारे विश्व पर राज्य करना आ जाएगा। अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है, स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा है, कितना स्नेह जमा किया। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। बाबा कहते सभी को हमको क्या बांटना है, अभी विश्व सेवाधारी बन, सभी को स्नेह देना माना सहयोग देना, है ना। इस सृष्टि पर अभी सभी की चाहना क्या है, सच्चा स्नेह मिले, सच्ची शांति मिले, सच्चा सुख मिले, क्योंकि अभी सब में क्या हो गया, स्वार्थ मिक्स हो गया, हर एक के पीछे स्वार्थ है। तो बाबा कहते आप विश्व सेवाधारी बनकर क्या करो, सारे विश्व की सच्ची सच्ची सेवा करो, है ना।
तो विश्व महाराजन, विश्व राज्य का जो टाइटल है या प्रैक्टिकल हम बन जाएंगे, स्लोगन है। जब थकावट फील हो, बहुत थक जाते ना सेवा करके, बहुत थक जाते, तो बाबा क्या कहते, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, है ना। सबसे बड़े मोटिवेशनल बाबा है हमारे, है ना। थक जाते तो हम क्या कहते, नहीं अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन बाबा ऐसे कहते हैं कि आप ये सोचो नहीं कि थक गए, खुशी में डांस करो, है ना। वो समय थकने के बाद जो हमको समय मिलता, बाबा कहते हैं उसको क्या समझो, डांस का समय समझो, अभी डांस का समय है, है ना। तो जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएंगे। खुशी में डांस करेंगे तो क्या होगा, मूड चेंज हो जाएगी। तो हमेशा बाबा कहते नाचते रहो, है ना, खुशी में नाचते रहो। अच्छा, हमारे जो बड़े दीदी है, उर्मिला दीदी जो है, तो सभी को क्या कराते, डांस कराते। कोई भी प्रोग्राम हो जाता है, कहते चलो अभी डांस करो, है ना। माना बैठ बैठ कर थक जाते, सुन सुन कर थक जाते, तो खुशी में क्या करना है, डांस करते रहना है। तो आज जब भी थकावट फील हो, बाबा का एक महावाक्य पक्का याद करना है, कौन सा, कि अभी नाचना है, डांस करना है, ठीक है, याद रहेगा ना सभी को। तो चल हम फिर से एकाग्र हो जाए, और ये अभी ज्ञान का डांस चला ना, अभी बुद्धि का डांस करेंगे, बाबा के पास दौड़ेंगे, है ना, नाचते नाचते बाबा के पास चले जाएंगे। चल एक बहुत सुंदर से गीत पर हम बाबा को याद करेंगे, ठीक है।
झूठे